यहाँ पर हम बात करते हैं सीआरओ ट्रांसड्यूसर और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सीआरओ ट्रांसड्यूसर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, फर्स्ट पर्पज है हमारा विद पर्पज ऑफ सिंक्रोनस कंट्रोल इन सीआरओ। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग जो कंट्रोल होता है उसका पर्पज क्या होता है सीआरओ के अंदर, तो हम सिंक्रोनाइजिंग की वजह से यहाँ पर बाई प्रोवाइडिंग सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल द सिग्नल इज लॉक्ड ऑन द सीआरटी स्क्रीन, यानी कि लॉक दिस डिस्प्ले ऑफ सिग्नल, ये हम कर सकते हैं इसकी मदद से, सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल की मदद से। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ सी आर ओ आर प्लेस्ड, तो हॉरिजेंटल जो डिफ्लेक्शन प्लेट है सी आर ओ की वो कहाँ पर प्लेस की जाती है, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट है यहाँ पर सी आर ओ की वो वर्टिकली प्लेस की जाती है। इन सी आर ओ हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट आर प्लेस्ड वर्टिकली एंड वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यहाँ पर हम कहें इन सी आर ओ हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट आर प्लेस्ड वर्टिकली एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटल या वर्टिकली प्लेस की जाती है, वर्टिकली या हॉरिजेंटल प्लेस की जाती है। विच मीटर इज सूटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ 5 mV एट 60 Hz, 60 MHz, मेगा हर्ट 60 Hz फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमें 5 mV मेजरमेंट दे रखा है, हमें ये कौन सा मीटर की जरूरत होगी। तो मीटर की बात करें यहाँ पर तो हमें सी आर ओ की जरूरत होती है। वोल्टेज एट हाई फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाई सी आर ओ एक्यूरेटली, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज है वो सी आर ओ के द्वारा मेजर कर सकते हैं, यानी वोल्टेज मेजरमेंट करना है अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी पर तो सी आर ओ बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है वो क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्या है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस विच हैज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर, तो किस ऑर्डर का होगा इनपुट रेजिस्टेंस, मेगा ओम का ये इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जिसके अंदर इनपुट रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम के अंदर में ये होता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे क्या दिया हुआ है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इल्यूमिनेशन लेवल, तो जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इल्यूमिनेशन लेवल, तो जो इंस्ट्रूमेंट है इल्यूमिनेशन के लेवल को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, वो है यहाँ पर लक्स मीटर होता है जो कि इल्यूमिनेशन लेवल को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। विच वन इज नॉट मेजर्ड बाई मल्टीमीटर, तो कौन सा है यहाँ पर जो कि मल्टीमीटर के द्वारा मेजर नहीं किया जाएगा, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम और मल्टीमीटर के द्वारा मेजर नहीं की जाती है, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस है मल्टीमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज टू मेजर, ऑप्टिकल पायरोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर हम यूज करते हैं पहला तो लाइट इंटेंसिटी हमें मेजर करनी है तो ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज कर सकते हैं, दूसरा अगर हमें हाई टेम्परेचर मेजर करना है तब भी हम ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज कर सकते हैं। सो वी कैन यूज हाई टेम्परेचर, अगर हमें 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें एंड ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली डिजाइन टू कन्वर्ट, तो ऑसिलोस्कोप बेसिकली क्या कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ऑसिलोस्कोप की बात करें हम, ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली डिजाइन टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू विजुअल सिग्नल, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑसिलोस्कोप है बेसिकली डिजाइन किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, तो यहाँ पर हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर की कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, तो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर की बात करें मेजरमेंट ऑफ मल्टीमीटर रेंज डिस्प्लेसमेंट, ये हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर की क्या है एप्लीकेशन नहीं है। बाकी हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर से हम मेजरमेंट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम मेजर कर सकते हैं हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर से। तो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर मेजर द डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्डर टू माइक्रोमीटर रेंज, तो माइक्रोमीटर में ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, रेंज यहाँ पर मिलीमीटर गलत है माइक्रोमीटर होगा तो ये सही है। एंड फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर है ये सेमीकंडक्टर का टाइप भी बता देता है हमें कि कौन सा सेमीकंडक्टर हमने यूज किया है, तो उसके लिए भी इसको काम में लिया जाता है सेमीकंडक्टर टाइप बताने के लिए। थर्मिस्टर आर यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इन रेंज, तो थर्मिस्टर है किस रेंज में टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, तो थर्मिस्टर की बात करें यहाँ पर -60 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है थर्मिस्टर मेजर करते हैं। इट इज़ ए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इन द रेंज ऑफ
तो थर्मिस्टर है -100 डिग्री सेल्सियस से कितना मेजर कर सकते हैं, 200-300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। नेक्स्ट हम देखें, विच ट्रांसड्यूसर हैज हाईएस्ट नॉन लीनियरिटी अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हाईएस्ट नॉन लीनियरिटी है कौन से ट्रांसड्यूसर के अंदर होती है, तो यहाँ पर थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर के अंदर हाईएस्ट नॉन लीनियरिटी होती है। थर्मिस्टर हैज हाईली नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स, तो थर्मिस्टर की बात करें जैसे कि आर टी टू इक्वल टू क्या होगा, RT1 इंटू ई की पावर माइनस के बीटा 1/T1 माइनस के 1/T2, ये वैल्यू होगी। RT2 इक्वल टू RT1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा 1/T1 माइनस के 1/T2। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो क्यू मीटर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये काम करता है सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में। क्यू मीटर और क्वालिटी फैक्टर मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ क्यू डायरेक्टली, तो क्वालिटी फैक्टर है क्यू की वैल्यू को डायरेक्टली मेजर करता है, और वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस, तो यहाँ पर XL इक्वल टू XSC होगा। द ट्रांसड्यूसर एम्प्लॉयड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो ट्रांसड्यूसर एम्प्लॉयड किया जाता है वो कौन सा होता है, वो सर्कुलर ट्रांसड्यूसर होता है, और कौन सा होता है, सर्कुलर पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, द स्ट्रेन गेज विथ ए फैक्टर ऑफ टू इज सीमेंटेड टू द स्टील मेंबर, तो रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज है जो कि जिसका फैक्टर दे रखा है टू, इसको सीमेंटेड किया गया किसके अंदर, स्टील मेंबर के अंदर, विच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन ऑफ 1×10⁻⁶, देन द पर यूनिट चेंज इन गेज रेजिस्टेंस, तो पर यूनिट चेंज इन गेज रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पर यूनिट चेंज इन गेज रेजिस्टेंस हम निकालें तो ये होगा पर यूनिट क्या चेंज इन गेज रेजिस्टेंस, तो गेज रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, गेज फैक्टर होगा डेल आर डिवाइड बाई स्ट्रेन होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डेल आर डिवाइड बाई आर है, इसको जी स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा जी एफ इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, यानी कि जी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × स्ट्रेन की वैल्यू है यहाँ पर 1×10⁻⁶ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2×10⁻⁶, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2×10⁻⁶, ये वैल्यू है। नेक्स्ट हम देखें, ए 4.5 डिजिटल वोल्टमीटर इज यूज फॉर वोल्टेज मेजरमेंट, तो 4.5 डिजिटल वोल्टमीटर है जिसको यहाँ पर यूज किया गया किसके लिए, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। हाउ वुड 0.6973 विल बी डिस्प्लेड ऑन द 10 वोल्ट रेंज ऑफ मीटर, तो 10 वोल्ट रेंज ऑफ मीटर में किस तरीके से 0.6393 है इसको डिस्प्ले किया जाएगा, तो पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, 4.5 डिजिटल वोल्टमीटर यूज किया गया है, 4.5 डिजिटल वोल्टमीटर इज यूज फॉर वोल्टेज मेजरमेंट, एंड हाउ वुड 0.6973 विल बी डिस्प्लेड ऑन द 10 वोल्ट रेंज ऑफ मीटर, 10 वोल्ट रेंज ऑफ मीटर के लिए यहाँ पर अगर हम इसको मेजरमेंट करेंगे तो कितनी वैल्यू तक ये मेजर करेगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे 4.5 दे रखा है मीटर की वैल्यू, तो पहली बात तो ये कि मीटर का रेजुलेशन हमें निकालना होगा, मीटर का रेजुलेशन क्या होगा, फुल स्केल वैल्यू डिवाइड बाई 10⁻⁶, तो फुल स्केल वैल्यू डिवाइड बाई 10⁻⁶ से हम निकालेंगे, फुल स्केल वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट रेंज का दे रखी है, यानी कि हम कर सकते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 10 डिवाइड बाई फुल स्केल रेंज 10⁴, एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 4, तो ये आ जाएगी 10⁻³, ये हमारी होगी मीटर का रेजुलेशन। अब हम कह सकते हैं कि 4.5 क्या दे रखा है, डिजिटल वोल्ट मीटर दे रखा है, तो 4.5 डिजिटल वोल्ट मीटर में 4 डिजिट तो कंप्लीट है, यानी 0 से 9 तक की 4 डिजिट तो कंप्लीट है, तो 0 से 9 तक की 4 डिजिट तो यहाँ पर कंप्लीट होगी, और हाफ डिजिट के लिए क्या आएगा, हाफ डिजिट के लिए 0 और 1 आ सकता है, तो हाफ डिजिट के लिए 0 और 1 आ सकता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें 0 और 1 और 4 डिजिट के लिए यहाँ पर ये जो डिस्प्ले करेगा वो करेगा क्या, डिस्प्ले ये डिस्प्ले करेगा 0
0 पॉइंट यानी डिजिटल वोल्टमीटर है यहाँ पर, वो 5 लाइन का यहाँ पर शो करेगा। जैसे ये डिजिटल वोल्टमीटर होगा, 4 लाइन है यहाँ कंप्लीट शो करेगा, जैसे कि 1 अपडेट। जीरो से 9 से, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला ऑप्शन जो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करेगी, क्योंकि 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -3 यानी 0.3 ही लाइन आ सकती है यहाँ पर। तो मीटर का रेजोल्यूशन क्या है, ओनली 0.6693 यानी 6 से 9 से भी नहीं आ सकता है, क्योंकि मीटर रेजोल्यूशन क्या दे रखा है, 10 की पावर -3 दे रखा है। नेक्स्ट हम देखें सीआरओ के अंदर क्या है, इन सीआरओ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द कैथोड इज कंट्रोल्ड बाय, तो कैथोड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, तो उनकी इंटेंसिटी को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है वेयरिंग दी कैथोड ग्रिड पोटेंशियल। तो कैथोड ग्रिड के पोटेंशियल को वेरी करके यहाँ पर इंटेंसिटी को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सीआरओ के अंदर इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाई इंटेंसिटी कंट्रोल विच इज Ni और सिलेंड्रिकल नेगेटिव चार्ज। तो ये सिलेंड्रिकल नेगेटिव चार्ज होगा, सिलेंड्रिकल नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिटल ट्रांसड्यूसर, तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर कौन सा है यहाँ पर, इनकोडर जो होता है वो डिजिटल ट्रांसड्यूसर होता है। इट इज ए डिजिटल नेटवर्क विच जनरेट द बाइनरी कोड करेस्पॉन्डिंग टू द इनपुट वैल्यू, तो यहाँ पर बाइनरी कोड जनरेट करेगा डिजिटल नेटवर्क के अंदर, डिजिटल नेटवर्क विच जनरेट दी बाइनरी कोड करेस्पॉन्डिंग टू इनपुट वैल्यू, तो ये बाइनरी कोड जनरेट करता है डिजिटल ट्रांसड्यूसर, बाइनरी कोड ये जनरेट करना वाला। नेक्स्ट देखें जैसे ए लिसाजु पैटर्न एज शोन इन द फिगर बिलो, तो लिसाजु पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया है, ए लिसाजु पैटर्न इज शोन इन द फिगर बिलो इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन ऑफ सीआरओ, तो इसको लिसाजु पैटर्न को सीआरओ की स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया गया है। व्हेन वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एक्स एंड एफ वाई आर अप्लाइड टू एक्स एंड वाई प्लेट रेस्पेक्टिवली देन फ्रीक्वेंसी रेशियो एफ एक्स एंड एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, तो लिसाजु पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें जो एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स एफ वाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ एक्स होता है नंबर ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन ड्रॉन फ्रॉम एल पी, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन कितने हैं, 1 2 3 4, कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो ये 4 बार काट रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 और एफ वाई की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन ड्रॉन टू लिसाजु पैटर्न, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पैटर्न यह 2 बार ही काटेगा, 1 बार यहाँ पर 1 बार यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन की बात करें, जैसे अगर वर्टिकल इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 आ जाएगा इस तरीके से, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं हम जैसे वर्टिकल इंटरसेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा, 2 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखें टैकोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, तो टैकोमीटर क्या मेजर करने के लिए काम आता है, आरपीएम मेजर करने काम आता है, तो ये गाड़ियों में जो रीडिंग शो करता है वो टैकोमीटर जनरेट करता है। टैकोमीटर इज ए ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द आरपीएम ऑफ मशीन इन डिजिटल आउटपुट, तो मशीन का जो आरपीएम है उसको डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज इट इज मेजर स्पीड ऑफ मशीन, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये स्पीड मेजर करता है मशीन की। यहाँ पर हम बात करें जैसे कि ड्यूअल ट्रेस सीआरओ की बात करें, ड्यूअल ट्रेस सीआरओ क्या है, ड्यूअल ट्रेस सीआरओ के अंदर हम बात करें पहला तो 2 सेट्स ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड 1 हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, यानी 2 सेट तो यहाँ पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के होते हैं और 1 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का होता है। दूसरा बात करें इट कैन डिस्प्ले 2 इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म
सेपरेटली ऑन दी सिंगल स्क्रीन, यानी सिंगल स्क्रीन पर यहाँ पर क्या होता है, ये सिंगल स्क्रीन होता है, इस सिंगल स्क्रीन पर टू इनपुट डिस्प्ले फॉर्म होती है, इट कैन डिस्प्ले टू इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म सेपरेटली ऑन दी सिंगल स्क्रीन, और दूसरा यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन गन होती है। तो दो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, टू इलेक्ट्रॉन गन वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, वन इलेक्ट्रॉन गन होती है, बाकी यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत है। वाट इज दी फेज शिफ्ट बिटवीन दी सिग्नल विच इज इंडिकेटेड बाई दी लिसाजू पैटर्न, तो इस लिसाजू पैटर्न के द्वारा जो फेज शिफ्ट है सिग्नल के अंदर वो क्या होगा वो हमें पता करना है। तो इसके अंदर फेज शिफ्ट की बात करें यहाँ पर, तो फेज शिफ्ट हम यहाँ से लेते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो फेज शिफ्ट है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का फेज शिफ्ट और यहाँ से यहाँ तक का फेज शिफ्ट यानी कंप्लीट फेज शिफ्ट वो कितना है। तो दोनों के फेज शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 प्लस 90, ये 45 होगा, प्लस के ये वाला फेज शिफ्ट 90 होगा, प्लस के ये वाला फेज शिफ्ट है 45 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, तो 180 डिग्री यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सीआरओ, तो सीआरओ का कंपोनेंट नहीं है यहाँ पर, कौन सा कंपोनेंट है वो सीआरओ का नहीं है, तो यहाँ पर मोटर है वो सीआरओ का कंपोनेंट नहीं है, मोटर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सीआरओ। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन फैक्टर ऑफ सीआरओ व्हेन द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ इज 4 मीटर पर वोल्ट, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, सी आर ओ का सेंसिटिविटी ज्ञात करने की बात करनी है। सेंसिटिविटी क्या होती है, वन डिवाइड बाई डिफ्लेक्शन फैक्टर, वन डिवाइड बाई डिफ्लेक्शन फैक्टर, ये होता है सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी के अंदर डिफ्लेक्शन फैक्टर की बात करें, डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है वन डिवाइड बाई फोर, ये हो जाएगी हमारा डिफ्लेक्शन फैक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंसिटिविटी होती है वन बाई डिफ्लेक्शन फैक्टर, डिफ्लेक्शन फैक्टर दे रखा है हमारा, अब वैन द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ सी आर ओ वो दे रखी है 4, यानी डिफ्लेक्शन फैक्टर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, ये भी हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन फैक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.25, तो डिफ्लेक्शन फैक्टर डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी से हम निकाल सकते हैं, यानी 1 डिवाइड बाई सेंसिटिविटी से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द फास्टेस्ट राइज टाइम ऑफ ए साइन वेव दैट इज रिप्रोड्यूस्ड बाई द सी आर ओ, तो हमें यहाँ पर फास्टेस्ट राइज टाइम निकालना है, डिटरमाइन द फास्टेस्ट राइज टाइम ऑफ ए साइन वेव दैट इज रिप्रोड्यूस्ड बाई सी आर ओ वहन दी बैंडविड्थ ऑफ साइन वेव इज 50 हर्ट्ज, तो साइन वेव की यहाँ पर बैंडविड्थ कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर क्या होगी, एक ही वैल्यू है यहाँ पर वो राइज टाइम के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, राइज टाइम हो गया 0.35, राइज टाइम इक्वल टू 0.35 डिवाइड बाई बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर बैंडविड्थ 2πf के अकॉर्डिंग हम देखें 1 डिवाइड बाई 2πf, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हम निकालें 0.35 डिवाइड बाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 मिली सेकेंड, तो ये हमारा आ जाएगा बैंडविड्थ ऑफ द साइन वेव, वो आ जाएगी 1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, तो राइज टाइम है सेकंड के अंदर हमने निकाला है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 7 मिली सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल When used as a viewing surface of CRO, gives a blush glow. तो यहाँ पर कौन सा मटेरियल है, which of the following material, when used as viewing surface. तो जैसे viewing surface of CRO, जिसको हम viewing surface of CRO की तरह यूज करेंगे, gives a blush glow. तो ये क्या देने वाला है यहाँ पर, gives a blush glow that is zinc sulfide with silver as impurity. तो यहाँ पर zinc sulfide देता है जिसका silver क्या है यहाँ पर impurity की तरह यूज करते हैं. Which of the following material when used in viewing surface of CRO gives a blush glow that is zinc sulfide with silver as impurity. So zinc sulfide with silver as impurity gives the blush glow. Next हम देखें, determine the deflection sensitivity of CRO. हमें deflection sensitivity है CRO की निकालनी है. When the value of deflection factor is 0.5 volt per meter. So deflection sensitivity यहाँ पर determine करनी है किसकी, CRO की. So value of deflection factor है वो 0.5 volt पर मीटर दे रखा है, तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है 1 डिवाइड बाई डिफ्लेक्शन फैक्टर, ये होता है डिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी 0.5, तो ये क्या आ जाएगा 2, यानी कि 2 मिली। डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ साइन वेव दैट इज रिप्रोड्यूस्ड बाई ए सी आर ओ हैविंग राइज टाइम ऑफ बाई ए सी आर ओ हैविंग ए राइज टाइम ऑफ 70 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, बैंडविड्थ ज्ञात करनी है। डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ साइन वेव दैट इज रिप्रोड्यूस्ड बाई सी आर ओ हैविंग राइज टाइम ऑफ 70 मिली सेकेंड। तो बैंड बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम है यहाँ पर 0.35 है, ये फिक्स है। बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम दैट इज इक्वल टू 0.35। तो यहाँ से हम राइज टाइम 70 मिलीसेकंड दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, जैसे कि बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम है वो दिया हुआ है कितना 0.35। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। तो बैंडविड्थ की जो वैल्यू है वो होगी 0.35 डिवाइड बाय राइज टाइम, और राइज टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, राइज टाइम दिया हुआ है 70 मिली सेकेंड। तो 70 × 10⁻³ हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 हर्ट्ज। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 हर्ट्ज आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर फॉर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तो यहां पर क्वालिटी फैक्टर हमें निकालना है, क्वालिटी फैक्टर फॉर मैक्स वहन ब्रिज इज सप्लाइड ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो ब्रिज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो क्वालिटी फैक्टर कैसे निकलेगा यहाँ पर। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला जो होगा यहाँ पर वो होता है, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्यू इक्वल टू ओमेगा सी फोर एंड आर फोर। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू होगी 314 क्योंकि 2 पाई एफ से। सी फोर की वैल्यू 25 × 10⁻⁶ यानी 25 माइक्रोफेराड है, तो ये -6 हो जाएगा। एंड टू आर फोर की वैल्यू है वो हो जाएगी 60, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्यू की वैल्यू, क्यू इक्वल टू 0.47, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ सी आर ओ इज 10 mV। यहाँ पर डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी दी रखी है, डिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, डी होता है डिफ्लेक्शन फैक्टर बन डिवाइड बाई सेंसिटिविटी, यानी बन डिवाइड बाई 10 हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो 0.1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कैलकुलेट द फास्टेस्ट राइज टाइम ऑफ साइन वेव हैव रिप्रोड्यूस्ड बाई ए सी आर ओ। सी आर ओ के द्वारा साइन वेव जो प्रोड्यूस की जा रही है उसका हमें फास्टेस्ट राइज टाइम निकालना है। इफ द बैंडविड्थ रेंज फ्रॉम 0 to 10 हर्ट्ज, तो बैंडविड्थ रखिए 0 to 10 हर्ट्ज। तो राइज टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बैंडविड्थ को हम राइज टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा फिक्स आता है 0.35 के इक्वल है, 0.35 के इक्वल है, इक्वल टू आंसर होगा। विच एलिमेंट इन सी आर ओ यूज टू कलेक्ट द सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए कौन सा सी आर ओ यहाँ पर यूज करता है, विच एलिमेंट इन सी आर ओ यूज टू कलेक्ट दी सेकेंडरी इमिशन। तो सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है, एक्वायर्ड कलेक्ट दी सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन इन सी आर ओ। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेमी कंडक्टर गेज एज कंपेयर टू कन्वेंशनल स्ट्रेन गेज।
यहाँ पर कौन सा एडवांटेज किसका नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ सेमी कंडक्टर गेट, जो सेमी कंडक्टर का एडवांटेज नहीं है कंपेयर टू द कन्वेंशनल स्ट्रेन गेज। तो यहाँ पर है हाई सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर है, वो चेंज होता है। तो ये हाई सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, ये एडवांटेज यहाँ पर नहीं है किसका, सेमी कंडक्टर गेज का। कन्वेंशनल स्ट्रेन गेज होता है एक सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है। तो कन्वेंशनल स्ट्रेन गेज के कंपैरिजन में सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज का ये एडवांटेज नहीं है कि वो हाई सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज हो। इसलिए यहाँ पर रिव्यू लाइफ इसकी होती है। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमें दिया हुआ है इन ए वायर बाउंड स्ट्रेन गेज, वायर बाउंड स्ट्रेन गेज दे रखा है, इन वायर बाउंड स्ट्रेन गेज द चेंज इन रेजिस्टेंस अंडर स्ट्रेंड कंडीशन इज मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ। तो वायर बाउंड स्ट्रेन गेज के अंदर, इन वायर बाउंड स्ट्रेन गेज द चेंज इन रेजिस्टेंस अंडर द स्ट्रेंड कंडीशन इज मेनली इन अकाउंट ऑफ। तो मेनली इन अकाउंट ऑफ किसके वजह से होगा, ये चेंज इन लेंथ ऑफ दी वायर, तो वायर की लेंथ में चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, चेंज इन लेंथ ऑफ दी वायर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट मेजर्ड इन टू दी फॉर्म पल्स इज कॉल्ड। तो ट्रांसड्यूसर है जो यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू को पल्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उस ट्रांसड्यूसर को क्या कहते हैं हम, उस ट्रांसड्यूसर को कहते हैं डिजिटल ट्रांसड्यूसर। सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर आर, तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर होते हैं उन्हें हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर आर एक्टिव ट्रांसड्यूसर। दी मीटर मेजरिंग टोटल फ्लो इन लिक्विड मेक्स यूज ऑफ, दी मीटर मेजरिंग टोटल फ्लो, एक मीटर है जो टोटल फ्लो को मेजर कर रहा है, मेजरिंग टोटल फ्लो इन लिक्विड, वो किसकी वजह से लिक्विड के टोटल फ्लो को मीटर के अंदर मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर प्लेंटी मीटर है, प्लेंटी मीटर की वजह से यहाँ पर मीटर को मेजर किया जाएगा। दी मीटर मेजरिंग दी टोटल फ्लो इन लिक्विड मेक्स यूज ऑफ प्लेंटी मीटर। ओवर वायर स्ट्रेन गेज, फॉयल स्ट्रेन गेज हैव द एडवांटेज ऑफ ओवल वायर। ओवर वायर यहाँ पर स्ट्रेन गेज है, ओवर वायर स्ट्रेन गेज, फॉयल स्ट्रेन गेज हैव द एडवांटेज ऑफ, फॉयल स्ट्रेन गेज हैव द एडवांटेज ऑफ। फर्स्ट ओवर वायर जो स्ट्रेन गेज का है, फॉयल स्ट्रेन गेज के अंदर एडवांटेज आता है, ओवर वायर स्ट्रेन गेज फॉयल स्ट्रेन गेज है, उसके एडवांटेज क्या है, पहला तो हाई हीट डिसिपेशन कैपेसिटी, बेटर बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, सुपीरियर मैकेनिकल स्टेबिलिटी अंडर दी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेंड। तो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेंड के अंदर सुपीरियर इसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है, एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन इसका होता है, एंड लो स्ट्रेसिस एंड क्रीपिंग इफेक्ट। तो इसके जो लो स्ट्रेसिस और क्रीपिंग इफेक्ट होते हैं। तीसरा यहाँ पर एक्सीलेंट रिप्रोडक्टिविटी एंड लॉन्गर लाइफ, यहाँ पर रिप्रोडक्टिविटी है जिसकी एक्सीलेंट होती है उसका लॉन्गर यहाँ पर लाइफ होता है। स्ट्रेन गेज विथ रेजिस्टेंस ऑफ 250 ओम, तो स्ट्रेन गेज है यहाँ पर वो उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 250 ओम, अंडर गोज ए चेंज ऑफ 0.150 ड्यूरिंग ए टेस्ट, दी स्ट्रेन। तो उसका गेज फैक्टर क्या होगा, तो गेज फैक्टर की बात करें, गेज फैक्टर हो सकता है यहाँ पर 4, दी स्ट्रेन गेज विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 250। तो यहाँ पर स्ट्रेन गेज है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 250, अंडर गोज ए चेंज ऑफ 0.150 ड्यूरिंग दी टेस्ट, दी स्ट्रेन इज 1.5 × 10⁴। इस गेज फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, डेल आर डिवाइड बाई आर एंड रेशियो ऑफ डेल एल डिवाइड बाई एल। तो डेल आर डिवाइड बाई आर का जो वैल्यू है वो है 0.150, 0.150 डिवाइड बाई डेल आर डिवाइड बाई आर डेल एल डिवाइड बाई एल जो होता है वो होता है हमारा डेल एल डिवाइड बाई डेल एल, वो होता है 250 के आसपास। तो 250 × 1.5 × 10⁻¹⁴ है। तो यहाँ पर 10⁴ है, ये -4 है, 4 नहीं है,
इस 10 दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। नेक्स्ट टाइम देखें, द रेजुलेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर ट्रांसड्यूसर डिपेंड ऑन, तो पोटेंशियल मैट्रिक जो ट्रांसड्यूसर है उसका रेजुलेशन किस पर डिपेंड करता है? पोटेंशियल मैट्रिक ट्रांसड्यूसर है उसका जो रेजुलेशन है वो यहाँ पर डिपेंड करता है इस पर, मटेरियल ऑफ द वायर पर, यानी कि वायर का मटेरियल कैसा है उस पर ये डिपेंड करता है रेजुलेशन ऑफ द पोटेंशियल मीटर या पोटेंशियल मैट्रिक ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट देखें, जैसे द ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल इनटू आउटपुट सिग्नल, तो एक ट्रांसड्यूसर है यहाँ पर, तो क्या करता है कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम कन्वर्ट करता है इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में, तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है विच इज कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि टाइम का कंटीन्यूअस फंक्शन है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हम जानते हैं किसके एनालॉग की वजह से, द ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल इनटू आउटपुट सिग्नल विच इज कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज एनालॉग। द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर आर यूज प्रिंसिपली टू एम्पलीफाई द सिग्नल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफॉर्मर है यानी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है जिसको हम प्रिंसिपली एम्पलीफाई करते हैं, आर यूज प्रिंसिपली टू एम्पलीफाई सिग्नल, तो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांस एम्पलीफायर है जिसको सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए काम आता है, तो इसमें कौन सी ट्रांसड्यूसर के अंदर इसको एम्पलीफाई करने के लिए काम लिया जाता है ये हम लेते हैं ट्रांसड्यूसर के अंदर। द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर आर यूज प्रिंसिपली टू एम्पलीफाई सिग्नल फ्रॉम विच इज फॉलोइंग द ट्रांसड्यूसर। गैल्वेनोमीटर यूज इन द रिकॉर्डर इज, तो रिकॉर्डर में जो गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है वो क्या होता है? पहला तो उसमें ऑर्डिनरी डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर, ये गलत है, सम बट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर, यानी डी आर्सोनवल जो गैल्वेनोमीटर होता है, डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रिकॉर्ड यूज करता है। दूसरा, ए डी आर्सोनल गैल्वेनोमीटर विथ लार्ज मूविंग कॉयल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिटिकल डैम्पिंग, हम इसको यूज करते हैं। थर्मिस्टर आर मेड ऑफ, तो थर्मिस्टर किसका बनाया जाता है? थर्मिस्टर आर मेड ऑफ सेंटर्ड मिक्सचर एंड मेटालिक ऑक्साइड, तो सेंटर्ड मिक्सचर और मेटालिक ऑक्साइड का थर्मिस्टर बनाया जाता है। थर्मोकपल आर, तो थर्मोकपल क्या होते हैं? थर्मोकपल आर एक्टिव ट्रांसड्यूसर ओनली, थर्मोकपल ओनली एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहे जाते हैं। ए लेजर ड्रॉपर एनीमोमीटर कैन फंक्शन प्रॉपरली इफ द लिक्विड, तो एक लेजर ड्रॉपर जो होता है, ए लेजर डॉपलर एनोमोमीटर, ए लेजर डॉपलर ऑफ एनोमोमीटर कैन फंक्शन प्रॉपरली इफ द लिक्विड कंटेन स्मॉल ट्रेसर पार्टिकल, अगर लिक्विड के अंदर स्मॉल ट्रेसर पार्टिकल होते हैं तो लेजर ड्रॉपलर एनोमीटर है वो फंक्शन करता है प्रॉपरली। ऑरिफाइस प्लेट है, ऑरिफाइस प्लेट के अंदर क्या होगा? ऑरिफाइस प्लेट है ए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विच इज टाइपिकली अबाउट 0.6 एंड लॉस ऑफ हेड ऑफ अबाउट 60-70%। तो ऑरिफिस प्लेट जो होती है उसके अंदर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है जो कि 0.6 के आसपास होता है एंड लॉस ऑफ हेड ऑफ होता है, लॉस ऑफ हेड अबाउट 60-70% होता है। नेक्स्ट देखें, जैसे व्हाट इज डन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिंगरिंग इन द कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर, तो फ्रिंगरिंग का जो इफेक्ट है कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको रिड्यूस करने के लिए हम गार्ड रिंग यूज कर सकते हैं। गार्ड रिंग इज प्रोवाइडेड एंड कीप्ड एट ग्राउंड पोटेंशियल, यानी कि ड्यू टू द फ्रिंगरिंग इफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मोर देन द कैपेसिटेंस कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड एरिया ऑफ ओवरलैप एंड टू रिड्यूस द गार्ड रिंग इज यूज्ड, तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए गार्ड रिंग यूज करते हैं टू गिव आइसोलेशन बिटवीन द एक्स्ट्रा फ्लक्स लाइन लिंकेज। ए सिस्टमेटिक एरर इन वार्डन ट्यूब
प्रेशर गेज में भी मैटिक एरर है बर्डन ट्यूब के अंदर। प्रेशर गेज है उसको किसके द्वारा हम सही करवा सकते हैं? प्रेशर गेज को यहाँ पर हम इनकरेक्ट जीरो, प्रेशर गेज में भी क्यूड बाई इनकरेक्ट जीरो सेटिंग ऑफ पॉइंटर। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मेजर्ड विथ ए व्हीट स्टोन ब्रिज? तो व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा किसको मेजर किया जाएगा? यहाँ पर रजिस्टेंस को मेजर किया जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा। ब्रिज कैन ब्रिज यहाँ पर हम यूज करते हैं, ब्रिज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, केल्विन डबल ब्रिज हम यूज करते हैं, एंड व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ पर बीए मेथड है वो सब्स्टिट्यूशनल मेथड का यहाँ पर यूज किया जाता है। इफ द रेंज ऑफ एनालॉग ट्रांसड्यूसर इज 0 to 10 volt, वी एडीसी के अंदर बिट क्या होगी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर जो बिट की वैल्यू होगी वो होगी 8। यहाँ पर हमें मैच करना है करेक्ट जो है, जैसे थर्मोकपल दे रखा है, थर्मोकपल के अंदर क्या होता है और थर्मोकपल है इसके अंदर टेम्परेचर है कांस्टेंट टेम्परेचर वो मेजर किया जाता है। थर्मिस्टर विथ प्रेशर है नेगेटिव टेम्परेचर होता है यहाँ पर। स्ट्रेन गेज टेम्परेचर कॉफिशियंट है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज होता है तब स्ट्रेन गेज क्या है टेम्परेचर कॉफिशियंट में। और एलवीडीटी टेम्परेचर वन एंड के अंदर यहाँ पर मॉड्यूलेटेड आउटपुट प्राप्त होता है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है ट्रांसड्यूसर और उसकी कैपेसिटी दे रखा है। जैसे थर्मोकपल कॉन्स्टेंट होता है टेम्परेचर और थर्मिस्टर प्रेशर के अंदर क्या होता है नेगेटिव होता है। स्ट्रेन गेज टेम्परेचर कैपेसिटेंट के अंदर रेजिस्टेंस चेंज होता है और एलवीडीटी टेम्परेचर वन एंड के अंदर मॉड्यूलेटेड आउटपुट हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखें, जैसे डमी स्ट्रेन गेज इज यूज्ड इन कंजक्शन विद मैन स्ट्रेन गेज टू। तो डमी स्ट्रेन गेज है, डमी स्ट्रेन गेज इज यूज्ड इन कंजक्शन विद द मैन स्ट्रेन गेज। तो डमी स्ट्रेन गेज को यहाँ पर यूज किया जाएगा किसके लिए यूज किया जाएगा? टू कंपेंसेट द टेम्परेचर इफेक्ट। द डमी स्ट्रेन गेज आर यूज्ड फॉर टेम्परेचर कंपेंसेशन बिकॉज रेजिस्टिविटी टाइप जो स्ट्रेन गेज होता है वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। सो डमी गेज इज कनेक्टेड और डमी गेज मस्ट बी सेम एज मैन गेज, यानी डमी गेज होता है वो इसी तरीके का होता है जैसे सेम मैन गेज होता है। मस्ट बी सेम टेम्परेचर और डमी गेज के अंदर भी सेम टेम्परेचर होता है। द यूज ऑफ थर्मोकपल मीटर फॉर एसी मेजरमेंट, थर्मोकपल मीटर हम एसी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर थर्मोकपल जो यूज करते हैं, यूज ऑफ थर्मोकपल मीटर फॉर एसी मेजरमेंट लीड टू मीटर स्केल विच इज स्क्वायर लो। तो थर्मोकपल हम क्या करते हैं, थर्मोकपल प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के थर्मोकपल में। सो मीटर स्केल ऑफ थर्मोकपल विल बी नॉन लीनियर एंड इट विल फ्लो स्क्वायर लो रिलेशन। तो ये स्क्वायर लो रिलेशन यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट हम देखें, गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन। तो गेज फैक्टर जो होता है, गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन दी रेजिस्टेंस टू पर यूनिट चेंज इन दी लेंथ ऑफ द एलिमेंट। यानी कि गेज फैक्टर है वो डिफाइंड किया जाता है एज द रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन दी रेजिस्टेंस टू पर यूनिट चेंज इन दी लेंथ, वो गेज फैक्टर से हम निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन दी लेंथ ऑफ एलिमेंट। यानी डेल आर डिवाइड बाई एल। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वन इनपुट टर्मिनल ऑफ हाई गेन कंपैरेटर सर्किट इज ग्राउंडेड एंड साइनोसोइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द अदर इनपुट, द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर विल बी। तो आउटपुट है कंपैरेटर का वो क्या होगा, स्क्वायर वेव होगा। अगर एक टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है और एक टर्मिनल पर हमने साइनोसोइडल वोल्टेज दिया है, किसके पे, हाई गेन कंपैरेटर के पे, तो यहाँ पर आउट वेव मिलने वाली है। स्ट्रेन गेज रॉडशीट्स आर यूज्ड व्हेन, तो स्ट्रेन गेज रॉडशीट्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं, स्ट्रेन गेज रॉडशीट्स आर यूज्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस इज नॉट नोन। तो डायरेक्शन है प्रिंसिपल स्ट्रेस की अगर वो हमें पता नहीं है, वहां पर हम स्ट्रेन गेज का यूज करते हैं। अनबाउंडेड स्ट्रेन गेज आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ट्रांसड्यूसर एप्लीकेशन।
तो अनबाउंडेड डिस्टेंस के जो है ट्रांसड्यूसर एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखें, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एक्ट इन एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर की बात करें, एक्टिव ट्रांसड्यूसर में फोटोवोल्टिक सेल डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर, तो फोटोवोल्टिक सेल के अंदर कोई भी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है। तो फोटोवोल्टिक मिशन फोटोवोल्टिक सेल एंड बारे में ये ऑप्शन है, फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द एक्टिव ट्रांसड्यूसर, तो हम कह सकते हैं कि फोटोवोल्टिक जो सेल होता है डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर, तो तीनों यहाँ पर आ जाएंगे सब। एक वोल्टमीटर विथ ब्रॉडबैंड विड्थ है, तो एक वोल्टमीटर है जिसकी ब्रॉडबैंड विड्थ है वो क्या है, हाई नॉइस लेवल एंड हाई सेंसिटिविटी। एक वोल्टमीटर विथ ब्रॉडबैंड विड्थ एज हाई नॉइस लेवल एंड हाई सेंसिटिविटी। फिर हमें दे रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक जनरेटर, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक जनरेटर के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक जनरेटर किस लिए काम आता है, मोशन ऑफ वोल्टेज को चेंज करने के लिए, यानी कि मोशन ऑफ वोल्टेज है वो मेजर करना है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक जनरेटर यूज करते हैं। बेंचरियोमीटर हम कहाँ यूज करते हैं, बेंचरियोमीटर फ्लो रेट टू प्रेशर को कन्वर्ट करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक जनरेटर होता है वो मोशन को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, बेंचरीमीटर होता है वो फ्लो रेट को प्रेशर में कन्वर्ट करता है, पिरानी गेज जो होता है, पिरानी गेज यहाँ पर गैस प्रेशर को रेजिस्टेंस चेंज में कन्वर्ट करता है, यानी गैस प्रेशर से रेजिस्टेंस चेंज करता है, और स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, स्प्रिंग बैलेंस फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट चेंज करने के काम आता है, स्प्रिंग बैलेंस किस काम आता है, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट चेंज। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर कंसिडर करने हैं हमें, पहला दे रखा है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, तो यहाँ पर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर है, और दूसरा है ओनली प्राइमरी वाइंडिंग। तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर के अंदर क्या होता है, ओनली प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरा टू एग्जैक्टली सिमिलर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर में दो एग्जैक्टली सिमिलर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और वन यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग होती है। Which is the most suitable thermocouple transducer for measurement? तो most suitable thermocouple transducer कौन सा है measurement के लिए? Of the temperature in the range of 1300 degree Celsius to 1500 degree Celsius. तो यहाँ पर 1300 degree Celsius से 1500 degree Celsius तक temperature को हमें करना है, तो most suitable thermocouple transducer कौन सा है? तो most suitable thermocouple transducer होगा यहाँ पर platinum rhodium. तो प्लेटिनम रेहोडियम है, ये मोस्ट सूटेबल थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर है जो कि 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर करना है, तो ये ट्रांसड्यूसर काम आता है। नेक्स्ट देखें, जैसे हमें यहाँ पर मैच करके देखना है, क्या मैच करना है, पहली बात तो फोर्स मेजरमेंट है, फोर्स मेजरमेंट के अंदर क्या होगा, फोर्स मेजरमेंट के अंदर हम यूज करते हैं फ्लैट स्प्रिल स्प्रिंग। फोर्स मेजरमेंट फ्लैट स्प्रिंग, जो फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग होता है ट्रांसड्यूसर वो यूज करता है फोर्स मेजरमेंट में। दूसरा टॉर्क कैंटिलीवर बीम है ये, और एसिलरेशन में कौन सा यूज किया जाता है, एसिलरेशन में हम सिस्मिक मास है ये यूज करते हैं एसिलरेशन में, यानी एसिलरेशन में सिस्मिक मास ट्रांसड्यूसर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे सीआरओ स्क्रीन हैज 10 डिवीजन, सीआरओ स्क्रीन के अंदर क्या है 10 डिवीजन रखें, सीआरओ स्क्रीन हैज 10 डिवीजन ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल में 10 डिवीजन है सीआरओ स्क्रीन के अंदर। If the voltage setting of
5 मीटर पर वो क्या होंगे, वो होंगे यहाँ पर 2.5 साइकिल्स। दी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर मेजर रेजिस्टेंस बाई, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर मेजर रेजिस्टेंस बाई, मेजर रेजिस्टेंस बाई फोर्सिंग ए कॉन्स्टेंट करंट एंड मेजरिंग दी वोल्टेज अक्रॉस दी अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर है, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है, फोर्सिंग ए रेजिस्टेंस, कॉन्स्टेंट करंट एंड मेजरिंग दी वोल्टेज अक्रॉस दी अननोन रेजिस्टेंस। फिर दे रखा है लिसाजू पैटर्न के बारे में। लिसाजू पैटर्न ऑन दी ऑसिलोस्कोप हैज 5 हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी एंड 2 वर्टिकल टेंजेंसी। तो लिसाजू जो पैटर्न होता है ऑसिलोस्कोप के अंदर, उसके अंदर 5 हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी होती है और 2 वर्टिकल टेंजेंसी होती है। दी फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल जो इनपुट है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल इनपुट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एफ बी डिवाइड बाई एफ एच, ये हो जाएगा। एफ बी की वैल्यू क्या है 5 और एफ एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ एच की वैल्यू है 2, यानी कि ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल के स्थान पर आएगा, हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल के स्थान पर आएगा। तो 5 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ बी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की दे रखी है 100 हर्ट्ज, तो एफ बी की वैल्यू आएगी 5 × 100 डिवाइड बाई 2, तो 5 × 100 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से काट देंगे इसको 50 बार, तो ये 250 आ जाएगा, तो 250 हर्ट्ज यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, एक कैथोड रे ट्यूब फोकसिंग एनोड इज लोकेटेड इन, कैथोड रे ट्यूब में फोकसिंग एनोड है वो कहाँ पर लोकेट किया जाता है, कैथोड रे ट्यूब में फोकसिंग जो एनोड है वो लोकेट किया जाता है बिटवीन द प्री एसिलरेटिंग एंड एसिलरेटिंग एनोड। प्री एसिलरेटिंग और एसिलरेटिंग एनोड के बीच में यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब में फोकसिंग एनोड है वो लोकेटेड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे क्या है, इन इफ ए सी आर ओ साइनोसोडल वेवफॉर्म ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज डिस्प्लेड, सी आर ओ के अंदर क्या दी रखा है, इन ए सी आर ओ साइनोसोडल वेवफॉर्म ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज डिस्प्लेड, साइनोसोडल वेवफॉर्म में सर्टेन फ्रीक्वेंसी का वो डिस्प्ले किया गया है। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी दैट कैन बी मेड आउट बाई ऑब्जर्वेशन, तो जो ऑब्जर्वेशन से जो क्वांटिटी मेजर की जाती है वो क्या होती है, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द साइन वेव, यानी साइन वेव की पीक टू पीक वैल्यू को हम ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं। द टेक्निक ऑफ एडिंग ए प्रीशियस अमाउंट टाइम बिटवीन द ट्रिगर पॉइंट एंड बिगिनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप इन सी आर ओ इज नॉन एज, तो वो टाइम में जो टेक्निक है ऐड की जाती है प्रीशियस अमाउंट ऑफ टाइम की, क्या किसके बीच में ऐड किया जाता है, ट्रिगर पॉइंट की डिलेड स्वीप होता है यहाँ पर। द टेक्निक ऑफ एडिंग ए प्रीशियस अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रिगर पॉइंट एंड बिगिनिंग ऑफ स्कोप स्वीप इन सी आर ओ इज नॉन एज डिलेड स्वीप। ए सी ब्रिज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डायलैक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर, तो ए सी ब्रिज है यहाँ पर यूज किया जाता है किसके लिए, डायलैक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर की मेजरमेंट के लिए जो ए सी ब्रिज यूज किया जाता है वो क्या होता है, वो होता है शियरिंग ब्रिज। द ए सी ब्रिज यूज फॉर मेज, वाट इज द ऑर्डर ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी मेजर्ड विद कैपेसिटिव ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर क्या है, वाट इज द ऑर्डर ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम ऑर्डर का डिस्प्लेसमेंट क्या है जो कि यहाँ पर यूज किया जाता है विद कैपेसिटिव ट्रांजिस्टर, तो वो है यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर। ए 3.5 डिजिट वोल्ट मीटर द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी रीड, तो 3.5 में 3 डिजिट तो 999 की कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर, और 1 जाता तो 099 आ जाता,
लेकिन लार्जेस्ट नंबर 199 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें ये स्लोप एंड लेवल डेट स्लोप एंड लेवल दिस स्लोप एंड लेवल डिटेक्टर सर्किट इन सीआरओ हैज ए डिले ऑफ 100 नैनोसेकंड। तो जो स्लोप होता है और लेवल डिटेक्टर होता है सर्किट का सीआरओ के अंदर वो 100 नैनोसेकंड होता है। द स्टार्ट स्टॉप स्वीप जनरेटर हैज रेस्पॉन्स टाइम ऑफ 50 नैनोसेकंड। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू डिस्प्ले दी करेक्टली डिस्प्ले टाइम ऑफ, तो डिस्प्ले टाइम होगा यहाँ पर 150 न्यूटन सेकंड हैज टू बी इंसर्टेड इनटू द वाई चैनल। तो 150 न्यूटन सेकंड है ये यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर, वाई चैनल के अंदर। नेक्स्ट देखें जैसे टू इनपुट ऑफ सीआरओ आर फीड इनटू टू स्टेशनरी पीरियडिक सिग्नल। तो दो इनपुट हैं सीआरओ के जो कि फीड किया जाता है दो स्टेशनरी पीरियड एक्स वाई मोड में, यहाँ पर दिया गया है इन दी एक्स वाई मोड। टू इनपुट ऑफ सीआरओ यहाँ पर फीड किया गया है एक्स वाई मोड में, यानी कि हम कहें यहाँ पर दो इनपुट दिए गए हैं, एक तो इस तरीके से दिया गया है एक्स वाई मोड में, एक यहाँ पर इस तरीके से सिग्नल दिया गया है इस तरीके से। फाई की वैल्यू यहाँ पर एक्स वाई मोड में द स्क्रीन शोन ए फिगर विच चेंज फ्रॉम एलिप्स टू सर्किल, ये एलिप्स है ये सर्किल में बदल गया है, एंड बैक टू एलिप्स और दोबारा से यहाँ पर ये एलिप्स में बदल गया है। एलिप्स में कैसे बदलेगा, इस तरीके से बदल जाएगा एलिप्स में, दोबारा से एलिप्स में बदल गया है। विथ इट्स मेजर एक्सिस चेंजेज ओरिएंटेशन स्लोली एंड रैपिडली द फॉलोइंग इंटरफेस कैन मेड फ्रॉम दिस। तो ये इंटरफेस किसके द्वारा बना है, ये इंटरफेस बना है देयर इज ए कॉन्स्टेंट बट स्मॉल फेज डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट और स्मॉल फेज डिफरेंस है सिग्नल के बीच में। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें जो फाई की वैल्यू है वो है 0 से 90 के बीच में, यहाँ पर बात करें तो ये फाई की वैल्यू है 90 के बीच में 90 डिग्री, और यहाँ पर बात करें जो फाई की वैल्यू है वो है 90 से 180 के बीच में। तो इस तरीके से सिग्नल होता है। नेक्स्ट हम देखें द क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो क्यू मीटर है कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस। तो क्यू मीटर है सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो क्यू की बात करें क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट एल डिवाइड बाई आर, ओमेगा नॉट एल डिवाइड बाई आर। तो ओमेगा नॉट क्या है, यहाँ पर ओमेगा नॉट है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट है यहाँ पर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यह है ओमेगा नॉट। यहाँ पर हम बात करें जैसे कि टू इन फेज 50 हर्ट्ज साइनोसोइडल वेवफॉर्म दे रखी है, टू इन फेज 50 हर्ट्ज साइनोसोइडल वेवफॉर्म ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड आर फीड इनटू चैनल 1 एंड चैनल 2 रेस्पेक्टिवली ऑन ऑसिलोस्कोप। तो दो फेज हैं यहाँ पर, इन फेज सेक्शन है 50 हर्ट्ज साइनोसोइडल वेवफॉर्म के, चैनल वन और चैनल टू में यहाँ पर एम्पलीट्यूड के अंदर फीड किए गए हैं रेस्पेक्टिवली ऑन द ऑसिलोस्कोप। Assuming that the voltage scale, time scale and other setting are exactly the same for both channel. तो यहाँ पर exactly है voltage scale, time scale और other setting है दोनों channel के लिए same है। What would be observed in the oscilloscope operated XY mode? तो XY mode में जो operate हो रहा है उसके अंदर क्या observe किया जाएगा, तो phase difference यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 degree, 0 degree phase difference दे रखा है। चैनल वन और चैनल टू में यहाँ पर इनपुट देना है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई के इक्वलेंट है, एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई के इक्वलेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि द स्ट्रेट लाइन है वो 45 डिग्री पर होगी विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इस तरीके से आएगी अगर दोनों यूनिट यहाँ पर सेम है, सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है जैसे कि वोल्टेज स्केल टाइम स्केल गिनी गई है यहाँ पर, यानी दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट देखें जैसे क्या दिया हुआ है, इस सर्टेन ऑसिलोस्कोप विथ 4 सेंटीमीटर स्क्रीन हैज इट्स ऑन स्वीप आउटपुट फीड टू इट्स इनपुट। तो यहाँ पर कुछ ऑसिलोस्कोप है सर्टेन ऑसिलोस्कोप 4 सेंटीमीटर स्क्रीन दे रखी है यहाँ पर, सर्टेन ऑसिलोस्कोप विथ 4 सेंटीमीटर स्क्रीन
हैज इट्स ऑन स्वीप एट्स इट हैज इट्स ऑन स्वीप आउटपुट फीड टू इट्स इनपुट इफ द एक्स एंड वाई सेंसिटिविटीज आर सेम, अगर एक्स और वाई सेंसिटिविटीज यहाँ पर सेम है, द ऑसिलोस्कोप विल डिस्प्ले, तो ऑसिलोस्कोप है यहाँ पर क्या डिस्प्ले करेगा, तो ऑसिलोस्कोप विल डिस्प्ले द डायगोनल लाइन, क्योंकि यहाँ पर एक्स एंड वाई है सेंसिटिविटी यहाँ पर सेम दे रखी है, तो डिफ्लेक्शन भी यहाँ पर सेम होगा, डिफ्लेक्शन सेम होगा तो हम कहेंगे डायगोनल लाइन यहाँ पर मिलेगी। लिसाजू पैटर्न एज शोन इन द फिगर, तो ये लिसाजू पैटर्न है यहाँ पर, इसको हम क्या ज्ञात करना है, एफ एक्स और एफ आई वाई का रेशो ज्ञात करना है, तो एफ एक्स में वर्टिकल लाइन आ जाएगी, वर्टिकल लाइन कितनी है, दो बार कटेगी तो दो आ जाएगी, डिवाइड बाई एफ वाई एफ वाई, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आएंगी, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन नंबर पर काटे तीन, तो दो बटन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 2:3 हमारा आंसर होगा, यानी ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, एक कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्म, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, सीवीटी, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्म द आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, तो आउटपुट वोल्टेज है कांस्टेंट किसी वजह से होता है, आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द टैप्ड वाइंडिंग, तो वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, किसकी वजह से, टैप्ड वाइंडिंग की वजह से। नेक्स्ट हम देखें, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर नॉन टू इंट्रोड्यूस मैग्नीट्यूड एंड फेज एरर इन द मेजरमेंट, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, आर नॉन टू इंट्रोड्यूस मैग्नीट्यूड, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जिनको यहाँ पर मैग्नीट्यूड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर इनको जाना जाता है, फेज एरर इन मेजरमेंट दीज आर प्राइमरीली ड्यू टू, पहला है इम्प्रॉपर कनेक्शन ऑफ प्राइमरी साइड, ये गलत है, मेजरमेंट एरर इनहेरेंट इन मीटर कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, ये भी गलत है, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये भी यहाँ पर गलत है, तो सारे यहाँ पर गलत है, यानी नन ऑफ दीज आएगा आंसर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर नॉन टू इंट्रोड्यूज मैग्नीट्यूड एंड फेज एरर इन मेजरमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इन चीज़ों के लिए काम नहीं ले जाता है जो कि यहाँ पर फेज एरर और मैग्नीट्यूड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये यहाँ पर हमारी क्या है, ये मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन हैं, 383 क्वेश्चन हैं हमने किए। इसके बाद में हम क्वेश्चन जो देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन देखेंगे हम, वो देखेंगे कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे।